हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक, हम नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत बात किया हुआ था। हमने देखा कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन जो था वो साइन किया गया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं। तो उस कन्वेंशन के तहत एक रूल रखा गया था कि हर कंट्री जो है नेशनल लेवल पर अपने अपने कंट्रीज में जो है स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन के लिए जो है अपने अपने स्पेसिफिक एक्ट्स जो है वो पास करेंगे। तो उसी के तहत इंडिया ऑफकोर्स सिग्नेटरी था उस कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। तो उसके तहत हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को पास किया हुआ था और उसी नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत हमने एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई हुई थी ताकि उस एक्ट में जो कोई भी प्रोविजंस हैं उसे अंडरटेक कर सके। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का ओरिजिन क्या है, ये काम किस लिए करता है और इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को बचाने में इसका कितना बड़ा योगदान है। In order to carry out the provisions of Biological Diversity Act, the National Biodiversity Authority has been set up under the Ministry of Environment, Forest and Forest by the Government of India in 2003. मैंने अभी जैसे कि कहा, हमने already Biological Diversity Act पर एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो देखें। तो इसमें जितने भी तमाम provisions हैं, हमने provisions के बारे में भी बात किया, तो उस provisions को fulfill करने के लिए एक authority होना बहुत ज़रूरी है, एक independent autonomous body का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है National Biodiversity Authority बनाई गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर जो है उनके एजिस में काम करता है। द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई। कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ये चेन्नई में है, तमिलनाडु में, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यानी कि ये अपने पावर्स जो है वो स्पेसिफिक एक्ट से लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इसका जिक्र देखने को नहीं मिलता। ऑफकोर्स आप सभी जानते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट से जो है ये इसके पावर्स मिलते हैं और ये ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स वर ऑल्सो क्रिएटेड इन द 29 स्टेट्स अलॉन्ग विद बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमिटीज फॉर ईच लोकल बॉडी। तो इसी एक्ट के तहत स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स के बारे में भी बात किया हुआ था कि स्टेट्स लेवल पर जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बोर्ड्स बनाए जाएंगे। तो पूरे सभी स्टेट्स में जो है हमें बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स देखने को मिलेंगे और हर लोकल बॉडी के लिए जो है हमें एक बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी भी देखने को मिलेगी, जहां पर उस लोकल बॉडी के इंपॉर्टेंट मेंबर्स होंगे, वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लोकल एरिया में हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। द फंक्शंस ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और एज अ फॉलोस। तो थोड़ा बहुत ब्रीफली हम इसके बारे में देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो अंडरटेक करता है। मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्शंस प्रोहिबिटेड अंडर द एक्ट। इलीगल जो ट्रैफिकिंग होती है, पोचिंग वगैरह जो करते हैं एक्सॉटिक स्पीशीज वगैरह के, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्म ही है। और बाकी के जो कोई भी प्रोविजन जिन्हें प्रोहिबिट किया गया है बायोडाइवर्सिटी एक्ट में, उन सभी पर जो है मॉनिटरिंग करता है, उन्हें प्रिवेंट करने की कोशिश करता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। प्रोवाइडिंग एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑन हाउ बेस्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो एक रिकमेंडेटरी नेचर होता है इसका, रिपोर्ट्स वगैरह भी ये देते हैं और एडवाइस करते हैं भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि किस तरीके से वो बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन हाउ द गवर्नमेंट कैन सेलेक्ट बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पर इस तरीके की डाइवर्सिटी बहुत ही रिच होती है और उस इकोसिस्टम का सर्वाइव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके सर्वाइव होने से ही एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी पर बहुत अच्छा एक प्रभाव पड़ेगा। अगर उस तरीके के बायोलॉजिकली रिच इकोसिस्टम्स को किसी भी तरीके का हार्म पहुंचता है तो एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी पर भी हार्म पहुंचेगा। अगर उस तरीके के एनवायरनमेंट इकोसिस्टम्स को बचाएंगे तो एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को भी बचाएंगे। तो ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो अलग अलग रिपोर्ट्स भी देता है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को लेकर। मेक कॉन्क्रीट स्टेप्स टू प्रिवेंट द ग्रांट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिगार्डिंग लोकली यूज्ड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और अलाइड ट्रेडिशनल नॉलेज। हमने ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी एक्ट में देखा कि लोकल जो इंडिजीनियस पीपल्स होते हैं, जो लोकल पीपल्स होते हैं, उनका जो है इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि रीजनल जो बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्व करना इन्हीं के द्वारा या फिर इन्हीं से ही वो है वो पॉसिबल है। तो जाहिर सी बात है कि उस तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें जो है प्रिवेंट किया जाए, कॉन्क्रीट स्टेप्स लिया जाए कि उनका गलत इस्तेमाल ना करें। इन एक्जॉटिक स्पीशीज़ वगैरह, इस बायोडाइवर्सिटी से जो हमें रिचनेस मिलता है उसे जो है हद से ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।